हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ डैट हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। होली का त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है, काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा शांति के साथ। और ये यूनिटी का यानी कि हमारे कंट्री में एक यूनिटी बनाए रखने का भी काम करते हैं फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी कंट्री में। तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। पहले पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद फुल डे आप क्या करें, सेलिब्रेशन करें। तो आइए आज का डिस्कशन जो है 18 मार्च का हम लोग सेलिब्रेट कह रही हूँ, सॉरी, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो टॉपिक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है एक रेजोल्यूशन कि हम हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेट करेंगे आने वाले टाइम में भी। तो वर्ल्ड में इस्लाम के खिलाफ जो भी हिंसा होती है, जो कुछ भी होता है रिलीजन में, उनके खिलाफ यहाँ पर वॉइस रेज की जाएगी, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाएगी लोगों में। लेकिन एक दिक्कत की बात ये है कि हमारी कंट्री ने जो कदम उठाया है हमारी कंट्री ने, इसको कहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत ठहराया गया है हमारी कंट्री के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने की बात ये है कि हमारी कंट्री ने बोला है कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये भी कहा है कि पर्टिकुलर रिलीजन को ही लेकर क्यों चलना है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं यहाँ पर उनके अगेंस्ट होता है, उनके टेंपल्स को तोड़ा जाता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, बहुत से ऐसे रिलीजन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट आउट करके इस तरह का डे डिक्लेयर करना ये गलत है, ऐसा भारत की तरफ से बोला गया है। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा कहा गया है कि फोबिया अगेंस्ट वन रिलीजन, ठीक है, फोबिया अगेंस्ट वन रिलीजन की जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के द्वारा जो स्टैंड लिया गया है, कि ऐसा बोला गया कि फोबिया अगेंस्ट वन रिलीजन उसको इंटरनेशनल डे के तौर पर एलिवेट करना ये सही नहीं होगा। बिकॉज आज की डेट में जो कंटेम्परेरी फॉर्म ऑफ रिलीजन ऑफ फोबिया है, मीन्स इंडिया जो है वो ये कहना चाहता है कि ये कहना चाह रहा है कि हमें पर्टिकुलर रिलीजन को लेके नहीं चलना चाहिए। जो बिहेवियर बाकी रिलीजन के साथ भी होता है, बाकी धर्मों के साथ भी होता है, तो तब इसे रिलीजनोफोबिया हमें बोलना चाहिए, अदर देन कॉलिंग इट एज इस्लामोफोबिया, जिसमें एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट एंड एंटी सिख फोबिया भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया है। अभी यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में 193 आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं टोटल। ठीक है, 193 मेंबर्स हैं। तो उसके अंडर ऑन द बिहाफ ऑफ ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन आखिर है क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, वर्ल्ड में जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अगर इसकी बात करें, इसको 1969 में फाउंड किया गया था, उसके बाद फर्स्ट चार्टर अडॉप्ट किया गया 1972 का OIC चार्टर। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 57 हैं। फाउंडिंग मेंबर्स 30 थे, आज के टाइम में 57 हैं। की बॉडीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक कॉरपोरेशन, जैसे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर हो गया, जनरल सेक्रेटरी, इस्लामिक समिट एंड अल कद्स जो कमेटी रहती हैं। ठीक है, तो 57 मेंबर्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट करना स्पेशली जो इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी बनाए के रखना वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, जेद्दा सऊदी अरबिया में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बिहाफ पे पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन है, ठीक है, पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन है उसको इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, और फाइनली जो ये इस रेजोल्यूशन को कॉन्सेंस के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया जाए ऐसा बोला गया था फाइनली। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा। कॉन्सेंस का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे जो वर्ड है कॉन्सेंस मीन्स पूरे वर्ल्ड में किसी ने भी इसके अगेंस्ट नहीं कहा है, हम इसको ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, ऐसा कोई अगेंस्ट नहीं गया है इस रेजोल्यूशन के। लेकिन कॉन्सेंस बेसिस पे पूरा वर्ल्ड जो है, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर इसको पास कर दिया है, और इस पूरे रेजोल्यूशन को 57 मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के, उनके द्वारा सपोर्ट किया है। बट इसके अलावा 8 कंट्रीज़ ने भी इसको सपोर्ट किया है। ठीक है,
एट कंट्रीज़ में जैसे सपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग रहेगा आपका चाइना और रशिया के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। पहली स्टेटमेंट आपके सामने है कि 21 फरवरी को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय दी यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये आप लोगों को बतानी है। डिमांड जो है दैट बांग्ला जो लैंग्वेज है उसकी डिमांड जो वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पाकिस्तान में ये डिमांड रखी गई थी, तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है और आपकी रिविजन भी हो जाएगी इसके चलते। तो कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में बात की जा रही है और ये टॉपिक निकल के आता है आपका इंडियन पॉलिटी से और पार्लियामेंट से, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट आखिर होती क्या है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कि पार्लियामेंट से कि वो स्पेंड करेगा एक्स्ट्रा 1.07 लाख जो है करोड़ हमारे करंट फिस्कल ईयर में, तो ऐसी यहाँ पे बातें बोली गई हैं। ये एडिशनल स्पेंडिंग है जो अप्रोक्स बताई जाती है 1.58 ट्रिलियन रुपीज़ की, जो कि ज़रूरी है कि कुछ एक्सपेंडिचर कमेटी को लेके जो यहाँ पर सेटल करती है लोन वगैरह को, ठीक है। तो लोन वगैरह को सेटल करने का यहाँ पे काम करती है हमारे नेशनल जो स्मॉल सेविंग फंड्स के अंदर, जो कि आता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और जो यहाँ पे हायर फर्टिलाइज़र सब्सिडी चल रही है उसके तहत भी ये जो है यहाँ पे पूरा जो पैसा जो है अलॉट किया जाता है, डेडिकेट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कितना जो पैसा है ये करंट फिस्कल ईयर में स्पेंड किया जाएगा और कितना एडिशनल अमाउंट जो है वो कमेटी के द्वारा एक्सपेंडिचर में लाने की ज़रूरत है। सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो एक तरीके से क्या होती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे होती है। ऐसा अमाउंट रहता है जिसके तहत पार्लियामेंट अप्रूवल देती है और ये जो है पहले से ही बताया जा चुका होता है बजट सेशन में। सप्लीमेंट्री वर्ड से आप यही समझ रहे होंगे कि किसकी बात की जा रही है, एक एडिशनल की बात की जा रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बता रखी हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रोसीजर में ये चीज़ें रहती हैं, जब यहाँ पे ग्रांट दी जाती है जो पूरे तरीके से ऑथोराइज रहती है पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक फॉल शॉर्ट रहता है रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर का, एक एस्टिमेट बताया जाता है पूरे पार्लियामेंट में कितने ज़्यादा एडिशनल ग्रांट उन्हें चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये ग्रांट जो है ये प्रेजेंट और पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले। अभी ये मार्च मंथ चल रहा है, मार्च मंथ यानी कि 31 में फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होगा और 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर न्यू जो है वो स्टार्ट होगा। और जब एक्चुअली एक्सपेंडिचर निकल के आता है वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती हैं कि यानी कि जो एक्सीड हुआ है अप्रूव ग्रांट पार्लियामेंट के द्वारा, वो सभी यहाँ पे सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करते हैं, प्रेजेंट करती हैं जो सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट को, ठीक है। आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, निर्मला सीतारमन जी। अब यहाँ पे बात आती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये चीज़ें सामने लेके आते हैं, एक्सेस करते हैं, नोटिसेस जो रहते हैं वो पार्लियामेंट में एक्सेस किए जाते हैं, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये क्या करती है, एग्जामिन करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड है एक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। एक्सेस ग्रांट क्या होती है, गवर्नमेंट ने पैसे जो है एक्सेस में खर्च कर दिए हैं, यानी कि पार्लियामेंट ने क्या किया है, किसी पर्टिकुलर स्कीम ली है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए पैसा जो है वो अलॉट किए हैं। सपोज 5 करोड़ एक स्कीम के लिए अलॉट किए हैं, ठीक है, 5 करोड़ जो है एक स्कीम के लिए अलॉट कर दिए हैं, जो वह अलॉट किए गए थे किसी चीज़ के लिए, बट वो स्कीम जब स्टार्ट हुई थी तब उसके अंदर जो पैसा जो है कम वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो अभी जो इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशली रूलिंग पार्टी ने क्या किया कि पब्लिक अकाउंट से जो पैसा जो है वो लाए और इसके अंदर ऐड किया जाए, ठीक है। माना कि 2 करोड़ कम पड़ रहे हैं पर्टिकुलर स्कीम के लिए, 2 करोड़ जो है रूलिंग पार्टी ने पब्लिक अकाउंट से यूज़ कर लिए हैं। तो जब यूज़ कर लिए हैं तो पब्लिक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए सिर्फ अप्रूवल की ही ज़रूरत होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सेस ग्रांट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं
यहाँ पे बात करते हैं वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मस्ट अप्रूव जो किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर वोट ऑफ क्रेडिट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से ब्लैंक चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है ये एक तरीके से ब्लैंक चेक के नाम पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो चीज़ें दी जाती है, चेक जो दिया जाता है लोकसभा के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है, उन चीज़ों के ऊपर खर्च करने की परमिशन जो है वो वोट ऑफ क्रेडिट के द्वारा दी जाती है लोकसभा के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जिन चीज़ों का एस्टिमेट और मैग्नीट्यूड जो है वो सही तरीके से पता कर पाना टफ है, उन चीज़ों के लिए वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। माना कि कंट्री में फ्लड आ गया, फ्लड में बहुत सारे जैसे ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, बहुत सारी हानि होगी, नुकसान हो गया, तो कितना पैसा लगेगा ये हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ पर डोकलाम की अगर बात करें, डोकलाम वाला एरिया जो था, जो भूटान भूटान और सिक्किम के अंडर देखने को मिलता था, यहाँ पे चाइना का स्टैंड ऑफ देखने को मिला, ठीक है। तो डोकलाम वाले एरिया में जो चाइना की प्रेजेंस बढ़ गई है, सपोज करो फिर अगर वॉर की सिचुएशन हो गई है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमें पता नहीं है, इसका हम कोई भी गैस नहीं लगा सकते हैं। उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट कहाँ से ये पैसा लेगी, वोट ऑफ क्रेडिट से लेगी, तो वोट ऑफ क्रेडिट के थ्रू यहाँ पे भी निकाल सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे और भी ऑल्टरनेटिव है, बट पर्टिकुलर हम वोट ऑफ क्रेडिट से भी निकाल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, ये स्पेशल पर्पस के लिए होती है, ठीक है। स्पेशल पर्पस यानी कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, ये जो ग्रांट है स्पेशली पर्पस के लिए ही दिया जाता है, और ये सर्विसेज है जो अभी यहाँ पे किसी सर्विसेज का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो सर्विसेज है ये अभी के लिए किसी भी सर्विसेज का पार्ट नहीं होती है, इसके लिए एक्सेप्शनल के अंडर इसको क्या रखा जाता है, इसको एक्सेप्शनल के अंडर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में इंडिया जो है उनके द्वारा वर्ल्ड कप जीत लिया गया क्रिकेट में, ठीक है। तो वर्ल्ड कप जीत जाती है तो ईच एंड एवरी प्लेयर को क्या दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे देने की वहाँ पर बात की जाती है। तो ये क्या हो गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, हमने एकदम से सडन प्लान किया और ये किसी भी सर्विसेज में फॉल नहीं कर रही है, हमने बजट के अंडर भी इसको प्लानिंग में लेके नहीं चला था। इसकी परमिशन जो है पार्लियामेंट से गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल के वो प्लेयर में क्या कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर इसको रखा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में, ये एक्सेप्शनल ग्रांट हो गया, अब हम टोकन ग्रांट के बारे में बात करेंगे, ओके। टोकन ग्रांट की मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जो न्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एडिशनल एक्सपेंडिचर की बात नहीं होती है यहाँ पे। होता क्या है कि री एप्रोप्रिएशन जो होता है, मींस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो बिल लाया जाता है उसे एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है, ठीक है। तो री एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि हमने कोई न्यू सर्विस स्टार्ट की है, जो न्यू सर्विस स्टार्ट की है तो उसमें पैसे भी लगेंगे, खर्चा भी होगा, खर्चे के लिए पैसा जो है वो टोकन ग्रांट के थ्रू ले सकते हैं। मींस हम पार्लियामेंट से ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा पैसे निकालने हैं, परमिशन दे दो, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं, कोई दूसरा जो स्कीम चल रहा है, यानी कि एग्जिस्टिंग स्कीम है, ठीक है, कोई दूसरी जो स्कीम चल रही है उसके अंदर जो पैसा एलोकेट किया गया है, अगर लगता है कि जो पैसा है ज़रूरत से ज़्यादा उस स्कीम में है तो उस स्कीम से पैसा जो है हम कोई नई स्कीम के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं लेंगे, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसकी बात हमने बजट में कर रखी है, उस स्कीम में जो पैसा एक्सेस है उस पैसे को हम बस ट्रांसफ़र करेंगे इस न्यू स्कीम के अंडर, और इस न्यू स्कीम को रन करने के लिए। तो ये क्या है, टोकन ग्रांट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं, इसके चलते आर्टिकल 115 जो है ये सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट यहाँ पे प्रिटेन करता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 116 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट जो है इसमें प्रोविजंस रखे गए हैं। सप्लीमेंट्री एडिशनली, ठीक है, एडिशनल एक्सेस एंड एक्सेप्शनल ग्रांट एंड वोट ऑफ क्रेडिट रेगुलेट की जाती है, सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल जो रहता है रेगुलर बजट के हिसाब से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो मैं फिर डिस्कस कर दूंगी, तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर देना है।
तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये 2015 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था प्रीलिम्स में, तो तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपने बताना है। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है यानी कि रिजेक्ट और अमेंड करने की मनी बिल में, ठीक है। राज्यसभा कोई वोट नहीं कर सकते डिमांड ऑफ ग्रांट में, राज्यसभा डिस्कस भी नहीं कर सकते एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे जो बात की जा रही है डीप ओशन मिशन के बारे में, हालांकि मैंने ये बहुत बार डिस्कस कर लिया है डीप ओशन मिशन, जैसे कि इसरो का क्या टारगेट रहता है कि जैसे मार्स पे जाके हमने वहाँ पे रिसर्च करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं स्पेस में बात की जाती है, स्पेस में रिसर्च की बात की जाती है इसरो के द्वारा, ठीक है। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंट्री की रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको 15 अगस्त 1969 में क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर्स के बेंगलुरु में है। आज के टाइम में इसके चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है, जैसे हम स्पेस में रिसर्च की बात करते हैं, यहाँ पे हम ओशियंस में डीप, बिल्कुल डीप में जाके वहाँ पे रिसर्च करने की बात कर रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, सपोर्ट करेगा स्पेशली ब्लू इकोनॉमी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा यहाँ पे रोल आउट किया गया था जो ड्राफ्ट है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमी क्या है, सस्टेनेबल यूज़ करना हमने ओशियन रिसोर्सेज का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि हम लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सके, रोजी रोटी को इम्प्रूव कर सके, जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ा सके, ओशियन इकोसिस्टम को हेल्दी कर सके। मेजर कंपोनेंट क्या है डीप ओशन मिशन के, ताकि डेवलपमेंट किया जा सके मैंड समर्सिबल व्हीकल का। समर्सिबल व्हीकल आखिर है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहता है समर्सिबल व्हीकल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सी फ्लोर पे जाता है जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठा करता है, ठीक है, ताकि हम इसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे जो बात की जा रही है मैंड जो सबमर्सिबल जो है ये आने वाले टाइम में डेवलप किए जाएंगे, यहाँ पे कैरी करेंगे कि तीन पीपल्स यहाँ पे रहेंगे जो डेप्थ में जाएंगे 6000 मीटर ओशियंस में, ठीक है। तो साइंटिफिक सेंसर और टूल्स के साथ यहाँ पे रिसर्च की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है नॉइट एंड इसरो जो है यहाँ पे ज्वाइंटली इनके द्वारा डेवलप किया गया मैंड सबमिसाइल जो सबमर्सिबल व्हीकल है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है ये ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर इसको रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग के बारे में। इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम जो है ये आने वाले टाइम में भी डेवलप किया जाएगा, ताकि हम माइनिंग कर सकें पॉलीमेटैलिक जो नोड्यूल्स रहते हैं डीप जो ओशियन है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स क्या रहते हैं, ये एक तरह के पत्थर होते हैं, रॉक स्कैटर्ड होते हैं जो सी बेड पे पाए जाते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीज और निकल एंड कोबाल्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सिग्निफिकेंस क्या है डीप ओशन मिशन का, ओशियन जो है 70% ओशियन जो है हमारे ग्लोब पे पाया जाता है, यानी कि 70% पानी जो है वो ओशियन का पानी है, ठीक है। अबाउट 95% जो है डीप ओशन रिमेन यहाँ पे एक्सप्लोर होते हैं, ठीक है। इंडिया जो है हमारी कंट्री जो है हमारी कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, हमारी कंट्री में ये पेनिनसुला इंडिया जो है इसमें 9 टोटल स्टेट्स आपको पाई देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये टोटल बाउंड्री कितनी है, 7513 किलोमीटर समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो लोग हैं स्पेशली फिशिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि इनकी जो रोजी रोटी है कोस्टल एरिया में जितने भी बिजनेसेस होते हैं, फिशिज हो गया, ठीक है, फिशरिंग हो गया, फिर टूरिज्म हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड है। तो मेजर इकोनॉमिक जो फैक्टर देखने को मिलता है स्पोर्टिंग फिशरिंग, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, लाइवलीहुड एंड जो ब्लू ट्रेड है। इसमें कंसीडर किया गया है कि ओशंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कैसे सस्टेन करके रखना है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी डिक्लेयर किया गया 2021 से लेकर 2030 तक का कि डिक्लेयर किया गया ये डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया जो है यूनिक मैरीटाइम पोजीशन है हमारी कंट्री की, तो 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है और 9 आपको कोस्टल स्टेट्स देखने को मिलते हैं। टोटल आइलैंड्स कितने हैं हमारी कंट्री के, वो है 1382 आइलैंड्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑल्सो विजन है कि न्यू इंडिया हमने बनाना है 2030 तक का, और अनाउंस ये किया गया था फरवरी 2019 में, और इसी के साथ हाईलाइट किया गया कि ब्लू इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चलना है।
तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मैंने समझा दी हैं, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा बात करें टेक्नोलॉजी को लेके, एक्सपर्टाइज जो है, ठीक है, सच जो मिशंस हैं जो अवेलेबल है ओनली 5 कंट्रीज़ में, तो हमारी 6th कंट्री बनने जा रही है जो ओशियंस के बारे में यहाँ पे बात करेगी। वहाँ पे जो रिसोर्सेज डीप में देखने को मिलते हैं उसको माइन करके, ठीक है, उसको यहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे रशिया है, यूएसए है, फ्रांस है, जापान है और चाइना है, और इंडिया जो है ये 6th कंट्री बनने जा रही है। ठीक है, अदर ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जैसे इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है कि इसके तहत क्या किया जाएगा, मेजर पोर्ट्स जो है यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे कोस्टल एरिया वाले रीजन में। ठीक है, ओ स्मार्ट इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, नेशनल फिशरीज पॉलिसीज, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें डीप जो सी माइनिंग है थ्रू अंडर वाटर व्हीकल एंड अंडर वाटर रोबोटिक का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ओवर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इंटरनेशनल वाटर का, ठीक है, तो सी बेड यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक नोड्यूल फ्रॉम द सी बेड ओवर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरियाज इन इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, 380 जो मिलियन टन है यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है पॉलीमेटालिक जो है नोड्यूल रिसोर्सेज जो है यहाँ पे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज टेक्नोलॉजीज यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे जो पॉलीमेटैलिक जो नोड्यूल्स हैं इसमें मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे जो बात की जा रही है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है, आखिर ये कहाँ पे ये पार्क सेटअप किया गया है, ये मेडागास्कर में ये पार्क सेटअप किया गया है। मेडागास्कर आखिर है कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप पे, ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे आपको मेडागास्कर आइलैंड देखने को मिलेगा, ये एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है यहाँ पे भी आप देखें, ठीक है, तो ये है मेडागास्कर, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे जो है स्टावनी, यहाँ पे मेडागास्कर जो सी है ये आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का ग्रीन ट्रायंगल यहाँ पे अनवील किया गया है मेडागास्कर में, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। अम्बेसडर जो है हमारे इंडिया के जो मेडागास्कर में हैं जिनका नाम है अभय कुमार, इनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया साथ ही साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव और इनॉग्रेट किया गया ग्रीन ट्रायंगल। वर्ड ग्रीन जो है ये सीधा सीधा सिग्निफाई करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और अपने एनवायरनमेंट को सेव करके रखना है। नेम जो है इस पार्क का महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखा गया है और इसी के साथ महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट भी दी गई है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जीडी बिरला अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर नारायण प्रधान जो है इनको इलेक्ट किया गया है 31st जीडी बिरला अवार्ड के लिए फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो की गई, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो था फॉर फील्ड ऑफ मटेरियल साइंसेज के बारे में। ठीक है, तो मटेरियल साइंस को लेके यहाँ पे इनके द्वारा रिसर्च की गई और यहाँ पे जो बात की जा रही है क्रिस्टल मॉड्यूलेशन टू हेल्प डिजाइन न्यू शेप एंड जो टाइनी लाइटनिंग मटेरियल्स होते हैं उसके उनके ऊपर यहाँ पे रिसर्च की गई और इसी के साथ फोकस दिया गया कि कैसे हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्पेशली जो लाइट अमिटिंग सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे नैनो क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट अमिटिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसी के ऊपर इनके द्वारा क्या की गई है, रिसर्च की गई है। अब जीडी बिरला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीडी बिरला का पूरा नाम था घनश्याम दास बिरला, ये एक इंडियन बिजनेसमैन थे और बिरला फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ, 1894 में पिलानी में, इनकी डेथ हुई 1983 में लंदन में हुई थी। ठीक है, तो बालदाऊ दास बिरला इनके पेरेंट्स थे। ठीक है, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है बिरला इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सारी इंस्टीट्यूट्स आप देख सकते हैं, यूसीओ बैंक भी इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के बारे में। हमारी कंट्री के द्वारा कुछ टारगेट सेट किए गए हैं COP26 की जो मीटिंग देखने को मिली ग्लासगो कहाँ पे, यूके में। ठीक है, वहाँ पे हमारी कंट्री के द्वारा कुछ गोल सेट किए गए प्रधानमंत्री के द्वारा, यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई 7 बिग गोल्स की इंडिया के लिए कि हम नेट जो जीरो कार्बन एमिशन है वो अचीव करेंगे 2070 तक का और रिड्यूस करेंगे यहाँ पे कार्बन एमिशन जो है 2030 तक, इंक्रीज करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट जो है 50% और टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी 2030 तक की।
रिड्यूस करेंगे हम लोग कार्बन इंटेंसिटी 45% 2030 तक, और इंक्रीज़ करेंगे नॉन फॉसिल जो एनर्जी कैपेसिटी है 500 गीगावाट बाय 2030 तक का। अब ये यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, क्योंकि मुंबई जो महाराष्ट्र में है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है, डिटेल फ्रेमवर्क जारी किया गया है, नेट ज़ीरो अमीशन जो है कार्बन अमीशन हम कम करेंगे 2050 तक का, और ये फर्स्ट सिटी बनी है साउथ एशिया में जिनके द्वारा ये टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, तो गाड़ियां जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो उसको कम करने की बात की जा रही है। अभी कल ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिस्कस किया था, जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो बताइएगा उस गाड़ी का नाम क्या है जो मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। तो मुंबई जो है ये टारगेट रखेगी 20 ईयर्स का अहेड ऑफ इंडियाज टारगेट रीच टू नेट जीरो कार्बन अमिशन 2070 तक का। ठीक है, टारगेट जो है इसमें इंक्लूडेड है 30% रिडक्शन करना है हमने ग्रीन हाउस अमिशन का 2030 तक, और 44% रिडक्शन करना है इसका अमिशन का 2040 तक का। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।